गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टे हेल्दी एंड सेफ एट योर होम्स। टुडे आई विल टीच कंप्यूटर साइंस। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी बेटा? कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाली हूँ। सो दैट्स व्हाई ऑल द स्टूडेंट प्लीज टेक आउट योर कंप्यूटर बुक्स। अपनी अपनी बुक्स को बाहर निकालिए बैग में से बेटा, कंप्यूटर की। सबने निकाल ली होगी? निकाल ली ना सबने? सेट ऑन अ चेयर, पुट बुक्स ऑन योर टेबल। टेबल पे बुक को रखिए, चेयर पे बैठिए बेटा। प्रॉपर मैनर में बैठना टेबल पे, चेयर पे, और प्रॉपर मैनर में अपनी बुक को ओपन करना बेटा। फर्स्ट चैप्टर होता है हमारे कंप्यूटर का है डीलिंग विद कंप्यूटर वायरसेस। सो यू कैन ओपन द पेज नंबर 5 ऑफ द बुक, चैप्टर नंबर 1, एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज डीलिंग विद कंप्यूटर वायरस। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, इस पर बेस्ड वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया, एक्सप्लेन कर दिया है। पेज नंबर 5, 6 ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। मैंने आपको 6 जुलाई को एक्सप्लेन किए थे, आफ्टर दैट मैंने आपको 13 जुलाई को एक्सप्लेन किए थे टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। कितने टाइप के थे? 5 टाइप के थे ना कंप्यूटर वायरसेस। नाउ टुडे ऑल द स्टूडेंट ओपन द पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 ओपन करेंगे आज आप लोग बेटा, एंड द आवर टॉपिक इज अदर हार्मफुल प्रोग्राम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अदर हार्मफुल प्रोग्राम। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बेटा, आज ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा रिटर्न वर्क रिमेन रहेगा। अदर हार्मफुल प्रोग्राम्स, मालवेयर स्टैंड्स फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर क्या स्टैंड करता है बेटा? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इट इज़ यूज्ड अ प्रोग्राम टू इनफिल्टरेट अ कंप्यूटर गैदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। इसका यूज़ किस लिए होता है? प्रोग्राम करने इसका यूज़ होता है, या फिर प्रोग्राम्ड क्यों होते हैं ये, किस लिए होते हैं बेटा? इनफिल्टरेट करने के लिए कंप्यूटर को, किससे? जो भी है उसने इकट्ठी की है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उनसे। एंड डिस्टर्ब्स इट्स फंक्शनिंग। और क्या करते हैं? इसकी फंक्शनिंग को क्या कर देते हैं? बाधित कर देते हैं। डिस्टर्ब्स का मीनिंग होता है बाधित। वर्ड मीनिंग में प्रोवाइड हो जाएंगे ये आपको मीनिंग्स। डिस्टर्ब का मीनिंग है बाधित। मालवेयर इंक्लूड्स वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्सेज एक्सेट्रा। अब मालवेयर क्या इंक्लूड करते हैं बेटा? वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, ये सब चीज़ें। तो आज हम पढ़ेंगे वॉर्म के बारे में, ट्रोजन हॉर्स के बारे में, एंड लॉजिक बॉम्ब और स्पेवियर के बारे में। वॉर्म्स फर्स्ट टॉपिक आज का। वॉर्म्स क्या होते हैं? कंप्यूटर वॉर्म्स आर डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वॉर्म्स इज ऑल्सो अ बेटर सॉफ्टवेयर, इट इज़ नॉट अ हार्डवेयर, डिजाइंड टू स्प्रेड थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। जो कि क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं? स्प्रेड करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क पर, जो हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क है उसके चारों तरफ फैल जाएंगे, ठीक है। एनी वन कैन इंस्टॉल द वॉर्म inadvertently by opening an email attachment or messages that contain executable script। कोई भी इंसान क्या कर सकता है? इंस्टॉल कर लेता है। ध्यान से सुनना, वॉर्म्स को हम लोग अनजाने में इंस्टॉल करते हैं, अनजाने में, हमें नहीं पता, हम जानबूझ के नहीं करते हैं। अब भाई अनजाने में हम कब करेंगे? हमने कोई ईमेल ओपन करी तो उसके साथ में अटैच होता है एक मैसेज जो कि एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट को कंटेन करता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी इंसान अनजाने में क्या कर देता है? इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली जो वॉर्म्स है उनको इंस्टॉल कर लेता है। अ वायरस इज डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट फाइल और बूट सेक्टर। वायरस किस पे डिपेंड करता है बेटा? होस्ट फाइल पे और बूट सेक्टर पे। एंड ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स, और ट्रांसफ़र कर देता है फाइल्स को बिटवीन कंप्यूटर, कंप्यूटर के बीच में, ठीक है। टू स्प्रेड, फैलाने के लिए वायरस क्या करता है? होस्ट फाइल पे डिपेंड होता है और बूट सेक्टर पे डिपेंड करता है, और जो हमारे उसकी फाइल्स हैं वायरस वाली उनको ट्रांसफ़र करता है। अब ये ट्रांसफ़र कहाँ करता है बेटा? नेटवर्क पे करता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अ कंप्यूटर वॉर्म कैन एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली एंड स्प्रेड ऑन इट्स ऑन थ्रू नेटवर्क कनेक्शन। और दूसरी तरफ क्या होते हैं? जो कंप्यूटर वॉर्म होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं इंडिपेंडेंटली, किसी और पे डिपेंड नहीं होते हैं, एंड और खुद ही को क्या कर देते हैं? स्प्रेड कर देते हैं नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू। दे रिप्लीकेट देमसेल्स फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। रिप्लीकेट होते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे विदाउट द यूज़ ऑफ अ होस्ट फाइल, बिना होस्ट फाइल का यूज़ करे। एंड कैन लीड टू नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर सिस्टम, और हमारे सिस्टम पे नेगेटिव इफेक्ट्स डालते हैं। अनलाइक कंप्यूटर वायरस, वॉर्म डू नॉट करप्ट फाइल एंड फोल्डर्स। हमारा जो कंप्यूटर वायरस है उसकी तरह वॉर्म कभी भी फाइल और फोल्डर को करप्ट नहीं करते। अब भाई फाइल और फोल्डर को तो करप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो करेंगे ना। बीइंग एम्बेडेड इनसाइड एवरीडे नेटवर्क सॉफ्टवेयर, और एम्बेडेड रहते हैं नेटवर्क सॉफ्टवेयर के साथ में, ठीक है। कंप्यूटर वॉर्म्स इजीली पेनिट्रेट मोस्ट फायरवॉल्स। अब भाई इन्होंने हमारे फाइल और फोल्डर को तो नहीं ख़राब किया,
लेकिन ये क्या करते हैं बेटा, फायरवॉल आप लोगों ने सुना होगा काफी बच्चों ने। फायरवॉल बेसिकली क्या होता है, जैसे मेरे दो कंप्यूटर हैं, दोनों नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये फर्स्ट कंप्यूटर है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ये मेरा एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का नाम बी है, इसका नाम ए है। दोनों कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो अब क्या होता है बेटा, ये जो कंप्यूटर है इसके यहाँ फायरवॉल होती है, इसकी यहाँ होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो नेटवर्क से यहाँ आएगी, बी से ए पे आएगी, वो इस फायरवॉल अगर उसको परमिट करेगा आने देगा तो ही आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। सेम इसी तरह से बी कंप्यूटर की फायरवॉल अगर उसको परमिट करती है तो आएगी, नहीं तो अदरवाइज नहीं आएगी। लेकिन वॉर्म्स के केस में क्या होता है, वो बहुत इजीली पेनिट्रेट हो जाते हैं फायरवॉल से एंड अदर नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर से। अब पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है बताइए बेटा, पेनिट्रेट का मतलब होता है कि वो घुस जाते हैं, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चले जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू देयर हाई रिप्लीकेशन रेट वॉर्म्स कंज्यूम अ लार्ज पार्ट ऑफ सिस्टम मेमोरी। इनकी रिप्लीकेशन रेट क्या होती है, हाई होती है वॉर्म्स की, इसीलिए ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं लार्ज लार्ज पार्ट को आपकी सिस्टम की मेमोरी के एंड नेटवर्क की बैंडविड्थ को भी। दिस इन टर्न लीड्स टू अ सिग्निफिकेंट स्लो डाउन इन द स्पीड ऑफ वेब सर्वर। इससे हमारा जो वेब सर्वर है उसकी स्पीड क्या हो गई, धीरे हो गई है, स्लो हो गई है। नेटवर्क सर्वर एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर, यू माइट हैव हियर्ड ऑफ स्पेसिफिक कंप्यूटर वॉर्म्स लाइक सेसर वॉर्म, द ब्लेस्टर वॉर्म एंड द कॉन्फिकर वॉर्म। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ वॉर्म्स। जैसे आपके टाइप्स होते हैं ना वायरसेस के, वायरस के टाइप कौन से थे, बूट सेक्टर, प्रोग्राम, मल्टीपैट्रेट थे ना ये सब। इसी तरह से जो हमारे वॉर्म्स हैं उसके भी टाइप है, सेसर वॉर्म, ब्लेस्टर वॉर्म, कॉन्फिकर वॉर्म्स, ठीक है। आई होप इतना अभी आपको सबको क्लियर हुआ होगा वॉर्म वाला टॉपिक। बेटा जो भी समझ में नहीं आ रहा है वॉर्म्स में, वो आप कमेंट लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आज का ट्रोजन हॉर्स। दीज आर हार्मफुल प्रोग्राम दैट अनलाइक वायरस डू नॉट प्रोड्यूस बाय इन्फेक्टिंग अदर फाइल्स। ये क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं। वायरस डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय इन्फेक्टिंग अदर फाइल्स नॉर डू दे सेल्फ रेप्लिकेट लाइक वॉर्म्स। इसमें क्या होता है, वायरसेस डू नॉट रिप्रोड्यूस, दोबारा से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, दूसरी फाइल्स को रिप्रोड्यूस नहीं करते, इन्फेक्ट नहीं करते हैं, नॉर डू दे सेल्फ रेप्लिकेट लाइक वॉर्म्स, और ना ही ये सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं। दे क्लेम टू बी समथिंग डिजरेबल। ये क्या होते हैं, कुछ भी क्या करते हैं, समथिंग डिजरेबल, भाई कुछ तो करेंगे ना, जब ये फाइल को भी नहीं ख़राब कर रहे हमारी, और जो हमारे वायरस है उसकी तरह रिप्रोड्यूस भी नहीं हो रहे, तो भाई कुछ तो करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। ट्रोजन हॉर्स कंटेन मैलिशियस कोड, मैलिशियस कोड कंटेन करते हैं। द कोड व्हेन ट्रिगर्ड कॉजेस लॉस और इवन थेफ्ट ऑफ डेटा। अब जब ये कोड शुरू होता है ना, स्टार्टअप होता है आपका ये वाला कोड, ट्रिगर्ड का मतलब होता है बेटा शुरू होना, तो क्या होते हैं, लॉस हो जाता है क्या, किसका, डेटा का, चोरी हो जाती है डेटा की। ट्रोजन हॉर्स स्प्रेड व्हेन यू ओपन एन ईमेल अटैचमेंट। और कब स्प्रेड होते हैं, जब भी आपका ईमेल का अटैचमेंट ओपन होता है या फिर डाउनलोड होती है कोई फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से। द नेम, अब इसका ट्रोजन हॉर्स का नेम कैसे आया, देखिए द नेम ऑफ द वायरस कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। इस वायरस का नेम कहाँ से आया बेटा, ग्रीक माइथोलॉजी से। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रोजन वॉर वेयर द ग्रीक फूल्ड द ट्रोजन बाय प्रेजेंटिंग अ हॉर्स वुडन एज गेस्चर ऑफ गुडविल, बट दिस हॉर्स एक्चुअली ब्रॉट द डाउनफॉल ऑफ ट्रॉय। सिमिलरली द कोड प्रिटेंड टू बी फ्रेंडली। ये क्या होता है, वॉर हुई थी ग्रीक में हॉर्सेस की, वहाँ से आया इसका नेम। अब ये कोड क्या होता है बेटा आपका, बहुत फ्रेंडली होता है, प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंडली मीन्स बहुत ही फ्रेंडली होगा, आपको ऐसा लगेगा लेकिन होता नहीं है, आपको ये नाटक करके दिखाएगा कि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। प्रिटेंड्स का मीन्स होता है नाटक करना, बट एक्चुअली द हार्मफुल कोड इज प्रेजेंट इनसाइड अपेरेंटली हार्मलेस प्रोग्रामिंग। पर एक्चुअली क्या हुआ, जो हमारा हार्मफुल कोड है वो कहाँ प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, हार्मलेस प्रोग्रामिंग के अंदर में, ठीक है। इनसाइड अपेरेंटली हार्मलेस प्रोग्रामिंग, वो प्रोग्रामिंग जो कि हार्मलेस थी नहीं, उसके अंदर आ गया हमारा, और सच में आ गया है, जाहिर तौर पर आ गया है। अपेरेंटली का मीनिंग होता है जाहिर तौर पर। इट, ये उर्दू वर्ड है, उर्दू मीनिंग्स भी निकलते हैं कई इंग्लिश वर्ड्स के बेटा। इट एक्ट्स इन सच अ वे दैट इट कैन गेट कंट्रोल एंड डू इट्स चूजन फॉर्म ऑफ डैमेज। इट एक्ट्स इन सच अ वे दैट इट कैन गेट कंट्रोल। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है एंड डू इट्स चूजन फॉर्म ऑफ डैमेज। और क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, सच इज रिन्यूइंग द फाइल। किसको डैमेज करेगा बेटा, जो भी आपकी फाइल्स क्या हो रही थी,
बर्बाद रीयूनिंग बर्बाद कर देना, रीयूनिंग मतलब बर्बाद कर देगा, जो भी आपकी फाइल की एलोकेशन टेबल थी हार्ड डिस्क पे उसको सबको ये बर्बाद कर देगा। रीयूनिंग का मतलब होता है बेटा बर्बाद करना, ठीक है। ट्रोजन डॉट विंडो इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन हॉर्स। ये एक्सटेंड डॉट का मीनिंग मैंने बताया हुआ है आप लोगों को पहले भी, स्कूल में भी आप आते हो तो मैं बताती हूँ, डॉट के बाद जो वर्ड लिखा होता है वो उसका एक्सटेंशन होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ डॉट डॉट है ना, डॉट ये डॉट के बाद वाला क्या होता है अपना एक्सटेंशन होता है, आपको सबको पता है। नेक्स्ट आते हैं लॉजिक बॉम्ब पे। इट इज़ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम विच लाइज डोरमेंट अंटिल अ स्पेसिफिक पीस ऑफ प्रोग्राम लॉजिक इज एक्टिवेटेड। इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है ये भी भाई एक, विच लाइज डोरमेंट। ये कैसे रहता है? डोरमेंट रहता है मीन्स ये निष्क्रिय रहता है। कब तक रहेगा? अंटिल अ स्पेसिफिक पीस ऑफ प्रोग्राम लॉजिक इज एक्टिवेटेड, जब तक कि आपका जो स्पेसिफिक पीस है प्रोग्राम का वो लॉजिकली एक्टिव नहीं हो जाए। दे आर डिफरेंट फ्रॉम वायरसेज एज दे डू नॉट रिप्लीकेट, ये रिप्लीकेट नहीं होते हैं। दे आर नॉट इवन प्रोग्राम्स इन देयर ओन राइट बट रेदर कैमोफ्लैग्ड सेगमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम्स। दे आर नॉट इवन प्रोग्राम इन देयर ओन राइट, भाई इनके पास खुद का अपना राइट नहीं होता है, पर लेकिन ये क्या रखे जाते हैं बेटा? ये गोपनीय रखे जाते हैं। कैसे रखे जाते हैं लॉजिक बॉम्ब्स आपके? गोपनीय रखे जाते हैं। कैमोफ्लैग्ड का मीनिंग होता है गोपनीय। कैमोफ्लैग्ड सेगमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम के जो भी सेगमेंट है वो सब क्या रख लिए इसने? गोपनीय रख लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका पैराग्राफ, इन सम वेज अ लॉजिक बॉम्ब इज अ मोस्ट सिविलाइज प्रोग्राम थ्रेट। ये बहुत ही सिविलाइज प्रोग्राम थ्रेट है, मतलब ये बहुत ही सभ्य और आशंकित प्रोग्राम होते हैं। थ्रेट का मीन्स होता है किसी चीज़ की आशंका। बिकॉज अ लॉजिक बॉम्ब मस्ट बी टारगेटेड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक विक्टिम। क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे लॉजिक बॉम्ब होते हैं वो किसको टारगेट करते हैं बेटा? विक्टिम को, मीन्स शिकार को टारगेट करते हैं। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्ट्रॉय डेटा ऑन द कंप्यूटर। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्ट्रॉय करना डेटा को कंप्यूटर पे से, वन सर्टेन कंडीशन हैव बीन मेट, जब तक कि एक बार कोई कंडीशन नहीं मिल जाए। नेक्स्ट आते हैं स्पेवेयर। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करते हैं बेटा? सीक्रेटली रखते हैं इंफॉर्मेशन को अबाउट अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी की भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, विदाउट देयर नॉलेज, बिना ही नॉलेज के, बिना उसको पता रहते हुए। जैसे मेरे को नहीं पता मेरी इन्फॉर्मेशन आपने रख ली या किसी और ने रख ली, ठीक है। इट पासेज ऑन दिस इन्फॉर्मेशन टू एडवर्टाइजर और थर्ड पार्टीज, और वो इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टीज को पास कर दी। इसका मतलब मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी हुई है ना, लेकिन मुझे नहीं पता है। स्पेवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड व्हेन अ यूजर डाउनलोड समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट और क्लिक ऑन समथिंग लीडिंग टू अ पॉपअप विंडो ओपनिंग अप। स्पेवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड, क्या होते हैं? इंस्टॉल्ड होते हैं कब? जबकि यूजर डाउनलोड करेगा इंटरनेट से कुछ भी चीज़, या तो डाउनलोड करेगा या फिर यूज़र क्या करेगा बेटा? क्लिक करेगा, लीडिंग टू अ पॉपअप विंडो ओपनिंग अप। और ये क्या कर देते हैं? किसको लीड करते हैं बेटा? पॉपअप विंडो को, जो हमारी निकल के आती है, ठीक है। मीन्स लीड करने का मतलब है ये इंस्टॉल्ड होते हैं, या तो जब हम इंटरनेट से कोई डेटा क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं उस टाइम पे, या फिर जो हमारी स्क्रीन पे पॉपअप विंडो आ रही है हम उस पर क्लिक करते हैं तो भी ये इंस्टॉल हो जाते हैं। स्पेवेयर इट यूजेज अ लॉट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, और ये बहुत सारी कंप्यूटर की मेमोरी का यूज़ ले लेते हैं, एंड इन टर्न मेक्स इट स्लो, और उसको क्या बना देते हैं बेटा? स्लो कर देते हैं, बहुत धीरे हो जाती है हमारी जो मेमोरी है वो। इट ऑल्सो स्टिल्स द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द यूज़र, और चोरी कर लेते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़र की, एंड सेंड्स इट टू इट्स सोर्स, और उसको उसके सोर्स के पास भेज देते हैं। एडवेयर एंड ट्रैकिंग कुकीज़ आर एग्जाम्पल ऑफ स्पेवेयर। क्या है इसकी एग्जाम्पल? एडवेयर एंड ट्रैकिंग कुकीज़ आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेवेयर, ठीक है। इतना समझ में आया बेटा? तो स्पेवेयर क्या कर रहे हैं? हमारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, ले रहे हैं, हमें नहीं पता है, और बहुत सारी कंप्यूटर की मेमोरी को ले लेते हैं ये। और कब इंस्टॉल होते हैं ये हमारे कंप्यूटर में? जबकि हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, या तो या इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, या कोई पॉपअप बॉक्स आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में सबको बेटा? ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको सबको समझ में आया होगा अच्छे से। जिसको नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी चैप्टर। अब इसका रिटर्न वर्क है, वर्ड मीनिंग्स हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक एक्सरसाइज है, ये सब चीज़ें मैं आपको वन बाय वन प्रोवाइड करवाती रहूँगी। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे बेटा। आज मैं आपको वर्ड मीनिंग प्रोवाइड करवाऊँगी वीडियो के साथ ही। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस।